राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने तो बात तो कह ही दिया है, सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया, और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब इस तरह से जो फैसला आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है, तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है, तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब लोग तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है, इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी, और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है, आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोग होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी, तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया, और जिस तरह से बातचीत हुई अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर, लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे, कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे, तो ये सब चीजों के लिए करेगा। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग का आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम अपने अपने ढंग से, नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है, तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे, और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। सवाल, पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके, और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में तो साथे रहते ही है, सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। नीतीश जी, एक सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं,
क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था, और फिर वापिस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना। तो यूपी का चेहरा हो गया, चेयरमैन का चेहरा? अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी तो अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं, तो सब बैठे आज खाली मिलकर काम करना। यहाँ तक हम सोचे चेहरा मेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे सामने चाहिए। भाई अभी जो बैठक होगी ना वो तो उसके बारे में सब आपको समय पर बताएंगे। आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, जिस तरीके का उनके साथ पार्टी की जो तोड़फोड़ मरोड़ हुई है और आज कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या लगता है कि उसके जैसे व्यक्ति आपके साथ रहने से उनकी पार्टी की ताकत आपको मिलेगी या आपकी वजह से उनकी पार्टी को ताकत तो आए थे भाई? देश का तो सवाल है, सब ठीक है। पवार साहब इसके सवाल के लेकर के एक होने के लिए हम लोग पवार साहब बिल्कुल वो तो सारे प्रेस वालों से तो उनकी बातचीत हुई गई। उद्धव ठाकरेंनी जर राजीनामा दिला नसता तर कदाचित मी वेगळा विचार केला असता कोर्टाचं जजमेंट मध्ये म्हणण्यात आलंय। तुम्ही स्वतः म्हणाला होतात की शशिकांतचं चर्चा करण्याचं अर्थ नाही, माझ्या पुस्तकातून मी लिहिले ते तो बात हो ही गया। चलिए ना, ऐसा है कि जब बात कितना अंदर कह दिए हम लोग, इसके बाद जब होगा ना अगला मीटिंग होगा तो सब बात और डिटेल आएगा। हाँ बोलिए। तो सारे प्रेस वालों का ही अजीब खबर देख रही है हम लोग, वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट आई है तो उसमें तो जितनी रिपोर्ट आई है तो जिसमें ज्यादातर लिखा ही हुआ उनके पक्ष में, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आपण एकतर कसं बघताय आणि दुसरा आज जयंत पाटलांना पण ईडीची नोटीस आली अशी आहे की जयंत साहेब ईडीची आली आणखीन काही लोकांना आम्ही सगळेजण वाद बघतो कधी आणि कुणाली सत्तेचा गैरवापर हा सातत्याने केला जातो त्याचं हे उत्तम आहे पण आम्ही त्याच्याशी लढू। राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिले आणि मला वाटतं की जाहीर करणार मी त्याच्याची इच्छा असताना अरे भाई कहाँ सभा होगी, कहाँ विपक्षियों की एकता की सभा होगी, वो तो उसके बाद घोषित होगा। अभी कहने के लिए